जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे एक निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा। अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगता है या हमारे चैनल पर दिए गए वीडियो अच्छे लगते हैं, अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार से आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिले, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय गो माता, जय गोपाल। बहुत दिनों से हमारे वीडियो नहीं आ रहे थे, उसके कुछ बहुत सारे कारण थे जो हम अभी आपसे नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उतना अपने पास समय नहीं है। लेकिन अब फिर से वीडियो आएंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आएंगे। और मैं तो ये बोलता हूँ सभी व्यक्तियों से कि आने वाले समय में हम ऐसे वीडियो लाने वाले हैं सिर्फ गोबर और गौमूत्र के ऊपर, पैसा कमाओ सीधा गोबर और गौमूत्र से। तो आज की तारीख में किसी भी पशुपालक भाई के साथ में जब आर्थिक स्थिति से तंगी आती है, तो वो सब कुछ छोड़ के, खेती पशुपालन सब कुछ छोड़ के शहर की तरफ आता है। तो हमें जहाँ पे हूँ वहाँ पे ये समझ लो कि 50% से ऊपर लोग पशुपालन छोड़ चुके हैं, सब शहरों की तरफ जा चुके हैं। तो हम ये बात करें उन लोगों को फिर से बुलाया जाए। उन लोगों को बुलाए जाने का मतलब क्या हो कि नई जनरेशन जो आ रही है वो फिर से पशुपालन पे आए, पशुपालन को समझें, बेहतर तरीके से समझें। हमारे इस चैनल पे हम वो वीडियो भी लाएंगे जिसमें हम पशुपालन को एक बेहतर रूप से समझेंगे। देखो, वो जो बड़े बड़े डेयरी फार्म हैं वो एक बहुत ऊपर लेवल की बात है जो हम नहीं समझ सकते। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बड़े बड़े डेयरी फार्म को देख के, बड़ी बड़ी इनकम को देख के लोन लेते हैं, गौशाला खोल दी, लेकिन कुछ समय बाद फेल हो जाते हैं। उनका सबसे बड़ा एक ही कारण है, जिस प्रकार से हम एक कोई क्लास पढ़ते हैं ना, तो एक क्लास को पास आउट होने के लिए 1 साल की आवश्यकता होती है। उस क्लास में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको क्लियर करने पड़ते हैं, पढ़ने पड़ते हैं, एग्जाम को क्लियर करना पड़ता, तब जाके क्लास को क्लियर कर पाते हैं। उस क्लास को क्लियर करने में हमें 1 साल लगता है। तो ये थोड़ी एक आप आ गए, पैसा लगा दिया, 2-4 गाय ले आए, बढ़िया पंखे लगा दिए, होलस्टोन गाय लिया, 25 लीटर वाले ले आए, तो आप पैसा कमाने लग जाओगे। वो जो बड़े बड़े फार्म हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है, वहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगा है। आज जब यूट्यूब पे सीधा उनकी ग्रोथ देख रहे हो, ग्रोथ देखने से भैया कुछ नहीं होगा। पहले प्रशिक्षण, हर चीज़ के अंदर प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। पहले प्रशिक्षण लें, एक गाय पे काम करें, बछड़ी लाएं। मैं तो सबसे निवेदन करता हूँ आप एक बछड़ी लाएं, बछड़ी से स्टार्ट करें, बछड़ी को गौमाता तक ले जाएं। बछड़ी से उसे गौमाता बनाने का जो सफ़र है वही आपका ट्रेनिंग है, वही आपका प्रशिक्षण है। तो हम हमारे यूट्यूब चैनल पे गौ उत्पाद के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग जो हम गौ उत्पाद बनाते हैं वो तो है ही है। हमने बीच में ब्रेक जो किया था वो सबसे बड़ी बात इसलिए किया था, हम किसी एक टॉपिक पे विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि गोबर की वैल्यू और बढ़ाए। गोबर का जो खाद होता है, हमने रिसर्च किया है, एक्चुअली हमारे इधर जो प्रोसेस रहती है खाद की, एक खड्डा बनाते बड़ा सा और पर डे गाय भैंस का जो गोबर हम उठाते हैं, उठा के ले जाके उस खड्डे में डाल देते हैं, और 1 साल बाद में वही जैसे भी की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग उसको भरवा के ट्रैक्टर की ट्रॉली में और खेत में डाल दिया जाता है। तो वो जो गोबर का जो खाद है वो उस प्रकार से काम नहीं कर सकता जिस प्रकार से एक खाद काम करता है। एक्चुअली वो प्रॉपर खाद नहीं है। मैंने जहाँ तक पढ़ा, रिसर्च किया बहुत दिनों से, तो मुझे लगा कि वो खाद नहीं है, अभी तक वो खाद नहीं बना है, वो गोबर ही है। तो खाद को बनने के लिए गोबर के साथ में बैक्टीरिया का होना अति आवश्यक है। जब तक गोबर के साथ में बैक्टीरिया नहीं है वो खाद नहीं बनेगा। मेरा मानना ये है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, कि एक्चुअल जो भी खाद है, खाद गंध रहित, एकदम बारीक पाउडर, मतलब क्या बोलूँ,
अपने चाय पीतन चाय चाय जैसा होना चाहिए, जो चाय डालते हैं ना, चाय पीने की चाय बनाते हैं, एकदम छोटे छोटे मरीन रेत जैसा होना चाहिए। एक्चुअल वही खाद है। मैंने इतना कुछ पढ़ा उसके बाद मुझे लगा कि ओरिजिनल खाद वही है। हमारा हम खुद भी, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, अभी मैंने 4 या 5 दिन पहले खेत के अंदर खाद डलवाया था, खाद नहीं था। अब मुझे आज समझ में आया वो मैंने गोबर डलवाया, क्योंकि हमने गोबर डाला वो कच्चा ही था, अभी तक वो खाद का रूप उसने लिया ही नहीं था, वो डिकम्पोज नहीं हुआ था सही तरह से, उसमें कुछ घास थी तो घास ही थी। तो हमने बहुत सारे रिसर्च करें, अभी हम इसके एक पीडीएफ बनाएंगे, इस पीडीएफ के अलग अलग भाग बनाएंगे जो हमारे यूट्यूब चैनल पे एक एक भाग को पढ़ा जाएगा। और जिस किसी भाई को इसकी अगर पीडीएफ चाहिएगी तो वो भी हम आगे इस प्रोसेस को दिखाएंगे कि आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, कैसे हम आपको पीडीएफ आप तक पहुँचाएंगे। हमारा तो एक ही उद्देश्य है, पशुपालक भाइयों को फ़ायदा होना चाहिए। वो पशुपालक भाई नहीं जो बड़े बड़े डेयरी फार्म हैं, उनको तो फ़ायदा हो रहा है, उनका माइंड सेट बहुत ही अलग ही है, लेकिन उन पशुपालक भाइयों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ यार, काम कर रहा हूँ, जो मेरे जैसे हैं, जो छोटे लेवल के लिए हैं, उन्हें आगे बढ़ाना है। ऐसे पशुपालक भाई मेरे गांव के अंदर हैं जिन्होंने आज से 10 साल से वो गाय भैंसों को पाल रहे हैं, शायद उनकी ग्रोथ नहीं हो पाई, वो हाँ इतना ज़रूर है कि उनको दोनों टाइम की रोजी रोटी मिल जाती है, उनका घर खर्च चल जाता है, लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। उनकी ग्रोथ न होने के पीछे कारण है वह पूर्ण प्रशिक्षित नहीं है, उन्हें सही तरीके से प्रशिक्षण नहीं मिला हुआ है कि उन्हें कैसे काम करना है। तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए इसको आज यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन नेक्स्ट हम वीडियो जो लाएंगे वो कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में अंतर पे लाएंगे। उसके बाद लाएंगे कि कंपोस्ट को कैसे बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट को कैसे बनाते हैं, अलग अलग प्रकार से खाद बनने की भी बहुत सारी प्रक्रिया है। तो उन सभी प्रक्रिया के ऊपर हम एक एक वीडियो लेके आते रहेंगे, प्लस पीडीएफ भी लेके आएंगे, और हम कोशिश करेंगे आपको एक पीपीटी के द्वारा, पावर पॉइंट जो होती है ना, उस पीपीटी के द्वारा आपको सही तरह और ढंग से समझाया जाएगा। तो जय गो माता दोस्तों, जय गोपाल। आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।